हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस। दिस इज किशन आनंदम। आज इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आंग सांग सूकी के बारे में, जो म्यांमार की एक तरह से लीडर थी और उन्होंने स्ट्रगल किया था आपके मिलिट्री गवर्नमेंट के खिलाफ। तो उसको स्टडी करेंगे। और मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि ये आपका क्लास नाइन्थ में है, तो आपका फर्स्ट चैप्टर डिलीटेड है आपके पोलिटिकल साइंस में। उसमें भी आंग सांग सूकी के बारे में दिया हुआ है अच्छे से। और अगर बात करें सेवन क्लास में भी आपको इक्वलिटी जो चैप्टर है पोलिटिकल साइंस का, उसमें भी आपको मिल जाता है ये केस स्टडी। और रेफरेंस बुक में ज़्यादातर आपको ये देखने को मिलता है। तो इसलिए हम आंग सांग सूकी को आज कवर करेंगे इस लेक्चर में और अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंग सांग सूकी। समझते हैं म्यांमार का केस स्टडी, जो स्ट्रगल अगेंस्ट था मिलिट्री गवर्नमेंट के, आपके जो वहाँ मिलिट्री गवर्नमेंट था उसी के अगेंस्ट आपके जो आंग सांग सूकी का नाम आता, उन्होंने एक आवाज़ उठाया था और मिलिट्री गवर्नमेंट के खिलाफ। और म्यांमार का जो ओल्ड नेम है उसको कहा जाता है बर्मा, बर्मा उसका ओल्ड नेम था, मैंने लिखा हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आंग सांग सूकी को भी आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, नाम थोड़ा बड़ा है, हम लोग शॉर्ट में चलेंगे, सूकी बोलेंगे इनको। और 1988 में देखिए क्या हुआ। सबसे पहले इंटर वो पॉलिटिक्स फील्ड, यानी पॉलिटिक्स फील्ड में 1988 को यूँ इंटर कर चुकी थी। और 26 अगस्त 1988 को उसने प्रोटेस्ट चालू कर दिया, उन्होंने सूकी क्या कि प्रोटेस्ट चालू कर दिया मिलिट्री गवर्नमेंट के खिलाफ, धरना देना चालू कर दिया। और सितंबर 1988 में क्या हुआ, उन्होंने एक नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी फॉर्म किया, पार्टी फॉर्म करना चालू कर दिया, यानी एक पार्टी वहां बना दिया। फिर जुलाई 1989 में क्या हुआ कि वो कह सकते हो अरेस्टेड अंडर हाउस, जो मिलिट्री गवर्नमेंट है उन्होंने उनको अंडर हाउस अरेस्ट कर दिया इन यांगोन, एक यांगोन आपका जगह है, वहाँ उन्होंने क्या किया कि उसको अरेस्ट कर दिया। और अंडर हाउस अरेस्ट का मतलब होता है एक तरह से नज़रबंद। आप पुराने टाइम या पुराने राजा महाराजा जो थे वो नज़रबंद कर देते थे, यानी वो आदमी आपका जेल में नहीं रहेगा, एक जगह उसको स्थित कर देते थे लोग, यानी वो मेरे नज़र में दिखाई नहीं देगा। यानी उनको जो सूकी को है एक जगह फिक्स कर दिया गया, वो एक तरह से बाहर जा नहीं सकती, वो एक जगह ही रहेंगी, यानी वो बाहर की जो दुनिया है आपके कंट्री में कहीं भी स्प्रेड जो है डेमोक्रेसी को लेकर स्ट्राइक नहीं दे सकेंगे, यानी एक जगह उनको फिक्स कर दिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया। तो फिर 1990 में क्या हुआ कि हेल्ड इलेक्शन, बट एक इलेक्शन हुआ, बट सूकी वाज नॉट अलाउड, लेकिन सूकी जो थी वो अलाउड नहीं थी उसमें, जो लेकिन जो उनका पार्टी था वो बहुत सारा सीट उसमें जीता, बहुत सारा सीट उसने जीता वो उनका पार्टी। और इन 1991 सी वाज अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज, उन्होंने क्या, हाँ उनको एक नोबेल पीस प्राइज कब दिया गया, तो 1991 में दिएगा, बट उस टाइम वो फ्री नहीं थी, एक तरह से फ्रीड नहीं थी, वो हाउस अरेस्ट थी, तो वो अवार्ड नहीं ले पाई, और जिसके कारण से जो उनका एक तरह से सन था वो अवार्ड लिया और एक तरह से प्राइज जो मनी था वही लिया, यानी उनका बेटा उस समय वो रिसीव किया। और इन 1995 में क्या हुआ, सूकी वाज फ्रीड फ्रॉम हाउस अरेस्ट ड्यू टू प्रेशर ऑफ मेनी कंट्रीज। 1995 में सूकी क्या हुई, एक तरह से फ्री हो गई, उनको हाउस अरेस्ट से हटा दिया गया, उनको फ्री कर दिया गया। और किस कारणवश किया गया, तो जो बहुत सारे कंट्रीज थे वो प्रेशर देने लगे थे, एक तरह से प्रेशर आ रहा था म्यांमार पे, जो कंट्री था मिलिट्री गवर्नमेंट पे कह सकते हैं प्रेशर बन रहा था कि नहीं सूकी को जो है क्यों अंडर हाउस अरेस्ट किया गया है, तो वो क्या किया, सूकी को एक तरह से फ्री कर दिए। बट इन 2002 क्या हुआ, सूकी अगेन अरेस्ट हो गई, फिर कुछ कारणवश हो क्या हो गई, जेल में चली गई, क्योंकि बाहर आएंगी तो एक तरह शांत बैठने वाली तो है नहीं, कुछ ना कुछ करेंगे, जिस कारणवश क्या हुआ, फिर जो मिलिट्री गवर्नमेंट है उनको एक तरह से फिर अंडर हाउस अरेस्ट कर दिया गया। और फाइनली इन 2010 सी वाज फ्रीड फ्रॉम हाउस अरेस्ट। 2010 में क्या हुआ, एक तरह से उनको छोड़ दिया गया। और इन मे 2012 सी कॉन्टेस्टेड इलेक्शन एंड बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और फाइनली जो 2012 में उन्होंने इलेक्शन जीता और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का उनको पोस्ट मिला और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में गए, यानी पार्लियामेंट के एक तरह से मेंबर हो गए। तो ये था एक तरह से आंग सांग सूकी का पूरा स्टोरी, यानी देख सकते हैं पूरा उन्हीं का एक तरह से वही उभर के जो म्यांमार, जो म्यांमार है कंट्री, उसमें एक यही नाम उनका है उभर कर आया हुआ, जो बहुत एक तरह से स्ट्रगल चालू की थी। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और ये एक तरह से केस स्टडी है, समझना है कि किस तरह फॉर कह सकते हैं डेमोक्रेसी का मांग करते करते आंग सांग सूकी लड़ी और अंडर हाउस भी अरेस्ट हुई। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ये बहुत अच्छे से, अगर कोई डाउट नहीं होता तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके आपके जूनियर्स हैं उनको ये शेयर कीजिए, और उनको भी, और आपके जो फ्रेंड्स हैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कीजिए। और मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में।